अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको शलजम चिकन बनाना सिखाऊंगी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। एक प्याली आयल डालेंगे इसमें, एक बड़ी टेढ़ी प्याज की काटी हुई, इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। हमने प्याज तो लाइट से ब्राउन किया, आधा किलो से बोनलेस चिकन डालेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने चिकन का हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसमें टमाटर डालेंगे, दो दस काटे हुए लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें। अब इसको हम भुनेंगे 17 मिनट के लिए, इसको धीमी आंच पे रखेंगे। ये देखें ये थोड़ा सा इसका पानी खुश हो गया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं, दोबारा इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। हमारा गोल इसमें 2 किलो क्रैश किए हुए गोंगुल अच्छे से मिक्स करके हम इनको बिरयानी आज के लिए 20 मिनट के लिए रख देंगे। हम देखते हैं हमारे गोंगुल गल गए हैं, देखें गल गए हैं अच्छी तरह। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून चीनी की डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे, 2 हरी मिर्च काट के डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए। हमारा शलजम गोश्त रेडी है, शलजम गोश्त रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।